नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड यदि आप अपने चेहरे की रंगत को निखारना चाहते हैं तो जितना हो सके अपने चेहरे पर साबुन या फेस वॉश बहुत ही कम उपयोग करें। अब आप सोच रहे होंगे, सर यदि हम अपने फेस के लिए साबुन या फेस वॉश ना लगाएं तो हमारा चेहरा क्लीन कैसे होगा। कई बार मुझसे कमेंट में आप सबने पूछा है कि सर आप साबुन फेस वॉश लगाने के लिए मना करते हैं तो फिर हम अपना चेहरा किस चीज़ से क्लीन करें। तो फ्रेंड आज के लिए इस वीडियो को आप सबके लिए ही बनाया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको अपना चेहरा क्लीन कौन सी चीज़ से करना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दो, वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर ही कर देना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको अपना फेस किस चीज़ से क्लीन करना है। जब भी आप नहाने जाएं उस टाइम आप इस काम को कीजिए। एक दिन के अंदर अंदर आपका फेस निखर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। साबुन की जगह आप अपने चेहरे को इसी चीज़ से ही क्लीन करें। एक चम्मच गेहूं का आटा ले लेना और उसमें इतना मिल्क डालना, इतना दूध डालना ताकि वो एक क्रीम की तरह, एक गाढ़े लेप की तरह बनकर तैयार हो जाए। फिर आप उस क्रीम को, उस लेप को आप अपने फेस पे लगा लेना। केवल 7 या 10 मिनट लगेंगे, बस इतना टाइम लगाए रखना और थोड़ा सा रगड़ रगड़ के अपने फेस को धो लेना। जो साबुन या फेस वॉश आपके चेहरे का मैल नहीं निकाल पाएगी, जो यह रेमेडी आपके चेहरे का मैल निकालेगी। आपका चेहरा दिनों दिन निखरेगा यदि आप डेली इस तरीके से आप अपना फेस क्लीन करते हैं तो। बिना केमिकल के आप ये बिल्कुल मत सोचना कि साबुन से या फेस वॉश से ही अच्छा क्लीन होता है, उससे भी ज़्यादा मैल निकालेगा आज का यह तरीका। हमेशा बस अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए इसी उपाय को आजमाना। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आज का वीडियो जरूर ही आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।